भोपाल में रिश्वत कांड में पकड़े गए सहकारी दुग्ध संघ के गैराज प्रभारी आशीष पटेल का तबादला हुआ उज्जैन। लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय से रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। खंडवा से लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर अडिग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव का बयान, कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए करूंगा काम, कहा उन पर किसी का कोई दबाव नहीं। शिवराज सरकार का ऐलान, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से कराने के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के बदले प्रभावितों को देगी दुगनी जमीन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने यूजी सेकेंड ईयर की ओपन बुक परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, 7 अक्टूबर से करीब आधा दर्जन परीक्षाएं होंगी, विद्यार्थियों के पास जवाब लिखने के लिए होगा 5 दिन का समय। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ पर मत्था टेका, बोले सिख समाज का सेवा भाव प्रेम की सीख देता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज, कहा उपचुनाव में युवाओं की जरूरत, कमलनाथ को यह पता होना चाहिए कि नकुलनाथ नहीं है युवा। भोपाल में 2 महीने बाद एक साथ मिले कोरोना के 16 मरीज, प्रशासन ने कहा अभी बरते सावधानी। आगामी नवरात्रि के पर्व को लेकर गाइडलाइंस की गई जारी, झांकियां लग सकेंगी लेकिन भंडारे गरबा और चल समारोह पर रहेगी रोक। इस बार नवरात्रि में राजधानी भोपाल में आदि शक्ति दुर्गा की प्रतिमाएं होंगी महंगी, कलकत्ता से आने वाली मिट्टी के दाम 1.5 गुना बढ़े, लेबर चार्ज में भी हुआ इजाफा। और मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर नदी के बांध पर बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क, 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली देने का लक्ष्य।